कसडोल ब्लॉक के बैजनाथ गांव में तालाब किनारे बसे खीरोलाल जांगड़े के घर बारिश का पूरा पानी घुस गया। दो दिनों तक पानी घर में घुसा रहा, साथ ही इस परिवार को सांप बिच्छू के साथ रहने को मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में बैजनाथ सरपंच राधा कुटे को पूछने पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं खीरोलाल जांगड़े ने बताया कि मेरे घर के अंदर पानी पूरी तरह से घुस गया है और सरपंच सचिव को बोलने पर कोई जवाब नहीं दे रहे। बार बार सरपंच सचिव से तालाब में लगे गेट से अधिक पानी को बाहर छोड़ने की बात भी की गई, जिससे घर के अंदर का पानी बाहर निकल जाए, लेकिन सरपंच आजकल में बात टाल देते हैं, जिससे मेरा पूरा परिवार परेशान है। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा कुछ भी अनुचित होने की दशा में सरपंच सचिव की जिम्मेदारी होने की बात कही गई। मोला यहाँ बसे हुए 40 से 45 से ज़्यादा साल हो गए हैं मोला यहाँ बसे। अब मोर घर अब पूरा बूढ़ गए है, हर साल बूढ़ा थे। अब हर साल मैं शिकायत करता हूँ, आज भी मैं शिकायत करे हूँ सरपंच सचिव ला आई। अब मोर पूरा राशन उशन सब पूरा बूढ़ गए है जाना, और अभी भी मोर कोई भी समस्या के हल नहीं हो है जाना। और एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार मैं सरपंच ला बोले हूँ आज जाना, तो तेकर बाद भी वो का बोली से वाई आई। मैं गाँव बैठक जो रही तेकर बात बता हाँ आई। अब पूरा मैं लोग लेकर मोर पूरा परेशानी में हमन रात भर सोए नहीं हन और रात भर के हम जागत हन जाना। अब पूरा सांप बिच्छू के भारम मार रहे हुए, अब पूरा घर डूबे हुए हैं मोर। इसके पहले और यहाँ तालाब थे कि मैदान थे? ये नहीं सर, ये पूरा मैदान था सर। इससे पहले बहुत पहले मैदान था। अब ये करीबन 15-17 साल हो गया, इससे पहले पूरा मैदान था सर। ये पूरा यहाँ पर कोई घर ही नहीं सा था। आपका नाम? खीरोला जांगड़े है सर मेरा नाम। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDAP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।